आशीर्वाद यात्रा में आए लोगों से हम जानते हैं कि वो कैसे आए हैं यहाँ तक, क्या मांगे हैं उनके और सरकार से वो कितना खुश हैं। कहाँ से आए हैं चाचा? पौड़ी। पौड़ी पौड़ी किसके साथ आए? सरपंच के साथ। सरपंच के साथ क्या बता के लाए हैं, कहाँ ले जा रहे हैं? आए कि रैली चले, हाँ घूम ले। कुछ बताए भी है कि रैली में जाने से कुछ फायदा भी मिलेगा? फायदा हो गया, मिली जब मिली चली थे रैली, फिर दिखा चाहे रैली में हो गया, फिर हो जाऊ हो रैली है, इतने बताए नहीं। आप कहाँ से आए सर? पौड़ी से। पौड़ी से ही आप भी? तो आपके यहाँ क्या है, लाडली बहना योजना का पैसा आ रहा है? आ रहा है, लेकिन पूरे हितग्राही नहीं पा रहे हैं भाई सर। पूरे हितग्राहियों को नहीं मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। किसके साथ आए हैं आप? सरपंच के साथ आए। सरपंच के साथ, ठीक है। तो क्या सरकार से क्या मांग है आपकी? सरकार से मांगे कि हमारे ग्राम पंचायत पौड़ी में जो है ग्राम आदिवासी मोहल्ला जिसको बोलते हैं कि हम आदिवासियों को सम्मान देते हैं मामा जी, वहाँ एक भी बिजली के लिए व्यवस्था नहीं है, ना पानी की व्यवस्था है। मामा जी से पहले मांगा कि बिजली की व्यवस्था हो, पानी की व्यवस्था हो हमारे। सरकार कहती है तो अटल ज्योति है, 24 घंटे बिजली दे रही है सरकार। नहीं 24 घंटे नहीं रहती हमारे यहाँ, ट्रांसफार्मर एक साल से जले हुए हैं, एक हरिजन का ट्रांसफार्मर जल गया बस्ती का, एक आदिवासी बस्ती का, लेकिन आज भी ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। सब अपने यहाँ भी चाहिए कि मिट्टी तेल भी बंद हो चुका है, तो सरसों तेल लगा के दियाबाती जलाते हैं आदिवासी बस्ती के लोग, अब बड़ी संकट का सामना करते हैं। किसे वोट देंगे इस बार, क्या लगता है कौन जीत रहा है? इस बार हमारे यहाँ से कांग्रेस पार्टी आगे जा रही। कांग्रेस पार्टी, तो इस बार कमलनाथ की सरकार या शिवराज सरकार? इस बार कमलनाथ की सरकार। भाजपा की रैली में आकर कमलनाथ की सरकार बनवा रहे हैं आप? बिल्कुल बन रही है। क्या है चाचा? रामनगर खोखला से। तो क्या है, लाडली बहना योजना का लाभ मिल रहा है घर में? नहीं मिल रहा। नहीं मिल रहा नहीं। क्यों नहीं मिल रहा? तो किसके साथ आए हैं आप? आप हमारे साथी जनता है।